मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है, शायद इतना बंधुत्व की और मीडिया भी नहीं खुश हो पा रही होगी जितना हम खुश हो रहे हैं, क्योंकि जीत गई तो सबका है, हार गई तो मेरी होती। हार का जब चेहरा पहनाया जाता तो सिर्फ मेरे ऊपर होता और किसी के ऊपर नहीं होता, सब अध्यक्ष जी के गड़बड़ी से हुआ है और असफल नेतृत्व, कमजोर नेतृत्व, पता नहीं क्या क्या बोला जाता, उस बात को लेकर के मैं बहुत चिंतित रहता था। और ये आप इसको स्वार्थ मेरा समझिए या जो समझिए, मेहनत का मजदूर समझिए हमें, लेकिन हमने पूरी तन्मयता के साथ जो रांची की घटना हुई उसको जितने तरीके से रणनीति के हिसाब से जो करना है वो हम कर भी रहे हैं, किए भी, और किसी को पता भी नहीं लगने दिए, क्योंकि वो माहौल को दूषित करने वाला समय था और चाहते थे लोग कि इस चीज में फंस जाए और कांग्रेस का नाश हो जाए। तो हम आज ये कह सकते हैं कि हम लोग ने बड़ी बुद्धिमता से, और इसमें सबसे बड़ा अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो निश्चित रूप से बंधु तिर्की जी को जाता है, और ठंडा दिमाग का आदमी साथ में रखे रहते थे रविंदर जी को समझाने के लिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, मानस कंट्रोल रूम देख रहे थे, इतिहास तय है, केंद्र बिंदु में पार्टी को रखना होगा, केंद्र बिंदु में जैसे ही कोई व्यक्ति होता है उसका जनाधार भी खत्म हो जाता है और पार्टी के लिए भी वो खत्म हो जाता है। और हम लोगों ने शिल्पी नेहा तिर्की को केंद्र बिंदु में रखा, चूंकि चुनाव ये लड़ रही थी, अगर हम केंद्र बिंदु में बंधु तिर्की जी को भी रखते तो नुकसान हो सकता था, कई लोग बोलते कि अच्छा नहीं उनका मामला है, लेकिन उम्मीदवार को केंद्र बिंदु में रख करके और जितने हमारे सीनियर लीडर थे सभी लोग अपनी दिलचस्पी दिखा करके, मैं ये कहूंगा इस बात के लिए सभी अपने बड़े नेताओं को धन्यवाद करूंगा, चाहे वो फुरकान अंसारी साहब हो, डॉक्टर इरफान अंसारी हो, राजेश कच्छप जी हो, अम्बा प्रसाद जी हो और ददई दुबे जी हो, सभी लोगों ने, धीरज प्रसाद साहू जी, सुखदेव भगत जी, सभी लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ काम करने का काम किया, आदरणीय सुबोध कांत शाह जी अभिभावक की तरह लगे रहे वहां पर, इन तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा, युवा कांग्रेस के साथी हो, NSY के साथी हो, सभी लोग टोली बना बना करके, कई बार हम लोगों को कहना भी पड़ा कि भाई अब हो गया है, सब लोग को ये करना चाहिए, महिला कांग्रेस गुंजन सिंह, सब लोग लगे रहे, सेवा दल की नीली नाथन जी थी, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से पूरा काम करने का काम किया, और उस सभी चीजों को जो अगर पिरो करके निकालने का काम कर रहे थे तो उस व्यक्ति का नाम नकुल है जो लगातार सभी चीजों से कोऑर्डिनेट करते थे, और समझिए अगर बंधु तिर्की का कहीं जान बचता है और इनको तीर मारना हो तो उधर ही लड़ना चाहिए, उसी में जान बचता है, तो उस व्यक्ति की भी बहुत भूमिका अहम रही है। और तमाम साथी जो लोग गए उनका मैं धन्यवाद करता हूं, और मैं कुछ सार सुनाना चाहता हूं कि किस तरह से सारी परिस्थितियां बदली, वो बदलती चली गई, जब आप देखेंगे कि इनकी सदस्यता गई तो हम लोग दिन रात रात में 12-1 बजे तक बिना कोई कानून की जानकारी के कानूनविदों के पास जा करके समझना समझाना, और बिल्कुल आप समझिए लॉ से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, उस पर एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करना हमारा और इनका होता था, और हम लोग को ये लगता था कि शायद 2-3 महीने में फैसला आ जाएगा तो बंधुरा अपना वहां से चुनाव लड़ लेंगे, नहीं हुआ, फिर चुनाव की घोषणा हुई, हम लोग पहले भी कह रहे थे कि भाई अब तो आपको ये करना पड़ेगा तो उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, तैयार नहीं थे कि नहीं नहीं बेटी को राजनीति में, वहां पर वो अच्छे कंपनी में काम कर रही है, सारी चीज हम लोग कि अभी उम्मीदवार तो आप ही के परिवार से चलेगा, वो इसलिए चलेगा कि आपसे लोगों की एक सहानुभूति है और आपके साथ जो षड्यंत्र रच करके आपको बाहर किया गया है उसका बदला लेने के लिए आपके परिवार को आपको आगे आना पड़ेगा, और वो चाहे बेटी कैसे भी आए ये आपका देखना काम है, और हम लोग लगातार इन पर प्रेशर बनाए, ये बार बार कहते थे नहीं नहीं हमारे यहाँ कोई इस तरह का ये नहीं है, बोले नहीं सब जो पढ़ी लिखी है तो कुछ ना कुछ अच्छा इसमें भी करेंगे, उसमें क्या है, करियर तो राजनीति में हो चाहे फ्लिपकार्ट में काम करती थी, तो इस तरह की बातें होती रही। जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई तो रात में बंधु जी को सुबह दिल्ली आना था, तो हम लोग फोन की कैसा है आप आ रहे हैं तो मशहूर जो है 10,000 रुपया पहुंचा जाएगा, जरा सा लेते आइएगा, हम लोग बंधुरा छोड़िए हम आ जाएंगे, कोई उसको मना कर दीजिए हम दे देंगे, कुछ हमारा भी उधार उधार रहेगा, बड़े आदमी पे तो मेरा भी औरा बढ़ेगा, तो हमने इनको मना कर दिया।
और जिस आदमी को सुबह 10,000 रुपया देना है उसके यहाँ सुबह खबर चल रही है कि सीबीआई का छापा पड़ गया। हमने सीबीआई का इससे बड़ा दुर्दिन क्या होगा कि ऐसे कंगले व्यक्ति के यहाँ छापा मार रही है जिसको 10,000 दिल्ली से यहाँ आने का पैसा नहीं है। ये कह रहे थे टैक्सी में और झारखंड भवन में पैसा देना, सच्चाई है। और आप देखिए उसके बाद हमारा कार्यक्रम लेट हो गया तो हमने AICC में अपना सा जो हमारा साथी है उसको कहा कि भाई थोड़ा हम आने में शाम हो जाएगा, आप बंदूरा को दे दीजिए। तो मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के माध्यम से चुनाव लड़ना चाह रही थी वो कैसे कैसे कृत्य कर रही थी, जिसके पास में 10,000 रुपया नहीं है उसके घर पर छापेमारी पड़ रही है और उस बात को दीपक प्रकाश जी प्रचारित कर रहे हैं कि 38 जगहों पर छापा पड़ा। ज्ञानवर्धन देखिए कितना, जितनी जगहों पर उनका संपत्ति है उतनी जगहों का बता रहे थे। इनके पास क्या है सो हम जानते हैं, इनके पास कम से कम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में के सामने जो होटल है वो इनका नहीं है, इनके गुरु जी का। तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत तरह का परिस्थिति देखते हुए समझते हुए और एकदम नजदीक से देखे हैं सब कुछ, इसलिए बहुत लगता है कैसे कैसे कठिन समय से ये आदमी निकले हैं। और हम समझते हैं जिस तरह से बीटिया ने अपने आप को खड़ा किया वहां और आप लाख किसी को खड़ा करा दिए, अगर उस कैंडिडेट में अपना कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को नहीं कह सकती है तो कोई माई का लाल उसको चुनाव नहीं जितवा सकता है। आज सब लोग माला पहनने के लिए पहन लीजिए, लेकिन उम्मीदवार का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। उस उम्मीदवार में ये खास बात थी कि हम जहां भी देखें हाँ थोड़ी बहुत कोई कमी दिखाई देती थी तो बोलते थोड़ा उधर भी बढ़ जाओ, थोड़ा ऐसे कर लो, क्योंकि राजनीति में सब कुछ के साथ साथ जो आप अच्छे हो सकते हैं लेकिन दिखना भी अच्छा पड़ेगा। आप दिल से अच्छे हो सकते हैं, आप काम से ईमानदार हो सकते हैं लेकिन आपकी ईमानदारी दिखाई भी देनी चाहिए। तो वो चीज दिखा और सभी लोगों ने पसंद किया और मांडर के लोगों का मैं खास करके धन्यवाद करूंगा कि जो मांडर के लोग हैं वो अमन पसंद लोग हैं, ऐसी परिस्थिति में उनके मतों का बिखराव नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। जिस तरह से उन्होंने साठगांठ किया था AIMIM के साथ, वो साठगांठ को उसमें सफल वहां के लोगों ने नहीं होने दिया। और खास करके मैं अपने राज्य के मुख्यमंत्री का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने बड़ी बारीकी से हमारी मदद की है, पूछा जाए तो चाहे समय देने से लेकर के और सारी बारीकियों को समझने के लिए वो लगातार हमारे संपर्क में रहे। इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी की जीत इसलिए मानते हैं कि हम समन्वय बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, हम संबंध बना बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। लाख बुराइयों के बावजूद हमने अपनी बात को समझदारी के साथ रखने का काम किया। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने तय हुआ कि मांडर चुनाव हम सबको सबसे पहले जीतना है और उसको हम लोगों ने वहीं तक छोड़ दिया कि आगे की बात आगे होगी, पहले मांडर चुनाव जीतना है। तो मुख्यमंत्री जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, हम अपना आभार व्यक्त करते हैं, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय अविनाश पांडे जी का, आदरणीय KC वेणुगोपाल जी का, जो उम्मीदवार से मिले तक नहीं और प्रदेश अध्यक्ष पर भरोसा करके और आदरणीय CLP लीडर आलमगीर आलम साहब का भरोसा करके एक पत्र लिख दिया और बंधु तिर्की का भरोसा करके और आपको उम्मीदवार बना दिया, ये बहुत बड़ी बात है। नेतृत्व का भरोसा हम पर बना रहे और भरोसा बनने लायक व्यक्ति हैं हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग नेतृत्व के भरोसे पर खड़ा उतरने का काम किया है। 23,517 वोट थोड़े मोड़े नहीं होते, बहुत बड़ा वोट है और जब पूरे देश में सारी हवा हमारे खिलाफ चल रही है तो हमने झारखंड से संदेश देने का काम किया है। और जब भी चुनाव प्रचार में होता था वहां कहता था कि आप जो ये वोट इसलिए भी दे रहे हो कि 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना और उस पर भी ये वोट हुआ, इसलिए हम समझते हैं। और इसलिए कहते थे कि दो भारत सरकार के कबीना मंत्री प्रधानमंत्री के चहेते मंत्री अन्नपूर्णा देवी और अर्जुन मुंडा जी लगातार लगे रहे और तीन पूर्व मुख्यमंत्री और सब एक से एक MLA जो हमारे यहाँ चंदन क्यारी से MLA चला करके यहाँ पर चान्हों में रुका हुआ है, राजमहल से ओझा जी आकर के वहां रुके हुए हैं, इतनी तन्मयता के साथ लड़ने के बावजूद भी इसलिए हार गए। हाँ राजेश कच्छप तो हम लोग के तरफ से अभी निकम्मा लोग का बता रहे हैं, काम वाला है बाद में बताएंगे, राजेश कच्छप तो लगातार रहा है
तो राजेश कच्छप जी को लगे रहे हैं, तो हम राजेश कच्छप जी को इनाम भी मिलेगा, चिंता मत कीजिए। जो जितना किया है वो, नहीं जो जितना किया है उसको उसका इनाम जरूर मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम बार बार कहते हैं, प्रोफेट मोहम्मद साहब का कहना है कि पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। वो अभी पसीना निकलना शुरू हुआ है, पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिल जाएगी। और तमाम लोगों को जिन्होंने पूरी तन्मयता के साथ इस चुनाव में काम किया या पूरा संगठन को मजबूती में लगे रहते हैं, हमारे जब से प्रभारी बने आदरणीय अविनाश पांडे जी, और जितना कार्यक्रम दिया गया और उस कार्यक्रम को जितनी शिद्दत से सभी लोगों ने किया, आज भी जो हम लोगों का विधानसभा बार पूरा अग्निवीर को लेकर के प्रदर्शन था, बहुत तरीके से हुआ है। ये इसको हम संकेत मानते हैं कि हमारे प्रभारी जब से आए हैं सशक्तिकरण में लगे हैं, उस चीज का हमको लाभ भी मिला है। कहीं ना कहीं संगठन सशक्त होता है तभी कोई विधायक और सांसद बनता है, इस बात को जरूर नोट करके रखिएगा। और जो एक बार बन जाता है पार्टी से, वो बगैर पार्टी के बन नहीं पाता है, इस बात का भी। इसलिए हम लोग नया शुरुआत किए हैं बंधुदा को छोड़ करके इधर, तो अब इनका आगे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हम समझते हैं कि जिस तरह से जीत हासिल हुई है, जो बोलने चालने का तरीका है, जो राजनीतिक सूझबूझ, जो कह रहे थे राजेश कच्छप जी के मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है, हम लोग मछली का बच्चा नहीं है, फिर भी तैरना जानते हैं। इसलिए हमारी बिटिया को जो थोड़ा बहुत तैरना सिखाना हो, वो हम आपसे ज्यादा सिखा देंगे, क्योंकि मूल रूप से हम तो वो भी हैं, बुद्धिमान जाति से आते हैं। तो आप सबों का धन्यवाद, आभार। आप लोग इसी तरह से जो चुनाव हो, जो संगठन का काम हो, उसमें लगे रहिए। निश्चित रूप से मैं और कुछ दे सकता हूँ चाहे नहीं दे सकता हूँ, प्यार और सम्मान हमेशा दिया है, हमेशा देते रहने का काम।